मैं पावर स्टार पवन सिंह के शहर आरा में, और बता दे कि उनकी हवेली पे है जहाँ पे उनका करोड़ों का हवेली बन रहा है। और सुनने में आ रहा है कि भैया वो इस बार संसदीय के चुनाव में सांसद भी बनने वाले हैं, क्योंकि वो सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। तो बता दे कि पावर स्टार पवन सिंह की हवेली पे है आरा में, उनके शहर में है, और उनकी हवेली करोड़ों की रुपए लगा करके बनाई जा रही है। हवेली देख सकते हैं, काम अभी चल रहा है और अब वो सांसद भी बनने वाले हैं, क्योंकि भैया पवन सिंह का मानना है कि वो सांसद इस बार बनेंगे। उनको किसी पार्टी से टिकट मिले या ना मिले, लेकिन वो सांसद बनेंगे, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो चाहती है कि पावर स्टार पवन सिंह अब जीवन में एक नया मुकाम और हासिल करें, वो इस बार सांसद का चुनाव लड़े और सांसद बने। पावर स्टार पवन सिंह ने ये डंका बजा दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बता दें कि हवेली पर है, हवेली का काम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिट्टी वगैरह पड़ गया है और काफी जोरों शोरों से इस काम को चलाया जा रहा है, और काफी बड़े लेवल पर ये काम हो रहा है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं और अभी करोड़ों रुपए लगेंगे। वहां अभी देख सकते हैं कि कई बीघा में इसको बनाया जा रहा है। खैर, एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता कि कितना बीघा इसका वो है। और पवन सिंह का कहना है कि वो क्यों लड़ रहे हैं सांसद का चुनाव, क्योंकि उनकी माता जी का कहना है, उनकी माता का आदेश है कि इस बार पवन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए सांसदी का। पवन सिंह की जो ऑडियंस है उसका कहना है कि पवन सिंह को इस बार सांसदी का चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह अपने ऑडियंस को भगवान मानते, अपनी माता जी को भगवान मानते हैं, तो उनका जो आदेश है वही करेंगे। लेकिन पवन सिंह से जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि पवन सिंह का मुद्दा क्या होगा चुनाव को लड़ने का, तो पवन सिंह कहते हैं कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर आपको पूछना है तो आप हमारे सिंगिंग के बारे में पूछिए, एक्टिंग के बारे में पूछिए, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जनता अब इस पे सवाल कर रही है कि जब आपको मुद्दा ही नहीं पता है तो फिर आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या विकास करना है, क्या काम करना है, जब आपको यही नहीं पता है तो फिर आप सांसद बनकर क्या करेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको सांसद बनने के बाद अपने क्षेत्र में क्या करना, अपने जिला में क्या करना है, क्या विकास करना है, क्या कमियां है, किस वजह से आपको जनता ने चुना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सांसद बन गए हैं, अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो फिर वैसा सांसद बनने का क्या काम। बता दें कि अब जनता ये सवाल कर रही है, जब उनको यही नहीं पता है तो क्या काम। जनता का कहना है कि आपका सिंगिंग एक्टिंग अलग क्षेत्र हो गया, राजनीति अलग जगह हो गया, आप वहां के राजा है लेकिन यहाँ के राजा नहीं है। यहाँ पर आप कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप यहाँ पर मत आइए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पावर स्टार पवन सिंह सांसद बने, और वो इस चीज के लिए अब पवन सिंह भी तैयार हो गए हैं, वो सांसद बनेंगे। आगे आइएगा, देखिएगा, यहाँ पर तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही है और एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ इस जगह को बनाया जा रहा है, इस हवेली को बनाया जा रहा है, जो कि पावर स्टार पवन सिंह के नाम पर ही इस हवेली का नाम पावर हाउस रख दिया गया है। ऐसा पावर हाउस आपको पूरे आरा जिला में देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी हवेली आपको पूरे आरा जिला में देखने को नहीं मिलेगी, जिस तरीके से इसकी तैयारी चल रही है। जब पवन सिंह, अब देख सकते हैं कि अब सुनने में आ रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह अपने जीवन में कई सारी उपलब्धियां जैसे कि हासिल करते आ रहे हैं, अब इस साल उनकी उपलब्धि यह है कि इस साल उनकी हवेली बनकर तैयार हो जाएगी और इसी साल वो 2024 में सांसद हो जाएंगे। कहाँ के सांसद होंगे ये नहीं पता, लेकिन पवन सिंह का मानना है कि हम जहाँ के वासी हैं, जहाँ के निवासी हैं, हम वहाँ के सांसद होना चाहते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो शहर आरा है, और बता दें कि वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उनकी पार्टी, पहली पार्टी जिससे वो 10 साल से जुड़े हैं, बीजेपी से चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको टिकट दें और वो बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर टिकट बीजेपी से नहीं मिलता है, तो किसी भी पार्टी से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर किसी भी पार्टी से नहीं मिलता है, फिर भी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, इसका उन्होंने डंका बजा दिया है। खैर, आगे चलते हैं, देखते हैं कि कहां तक क्या तैयारी है, बिल्डिंग बन रही है, क्या तैयारी है उसकी। आगे चलते हैं, देख सकते हैं कि मिट्टी वगैरह इतना ज्यादा पड़ गया है कि चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और ये देख सकते हैं कि कितने लंबाई में ये है कि जाने में, ये देख सकते हैं कितने लंबाई में ये है कि जाने में समय लगेगा, और यहाँ पे हम चल के आपको दिखाते हैं, बताते हैं। और जनता भी जानना चाहती है कि पवन सिंह को मुद्दा पता होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या विकास करना है। आपका ये जब डिसाइड नहीं हुआ है कि आप किस जगह से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए
कि हमें क्या विकास करना है, क्या काम करना है और अपने जनता के लिए क्या करना है। जिस प्रकार से आपने गानों से, फिल्मों से मनोरंजन कर दिया है अपनी पब्लिक का, और आगे आप जिस क्षेत्र में रहेंगे उसमें क्या करेंगे। खैर, भोजपुरी के ही रवि किशन जी हो गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हो गए, ये सांसद है, मनोज तिवारी भी है, विनय बिहारी भी है, और कई सारे लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और बीजेपी से पवन सिंह 10 सालों से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से पवन सिंह 10 सालों से जुड़े हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि जब हमारे भोजपुरी के लोग बीजेपी में है, इतनी अच्छी पार्टी है, इतना अच्छा काम कर रही है, सरकार में है, तो वो भी चाहते हैं कि भैया हम भी इसी सरकार के साथ रहें, इसी पार्टी के साथ रहें। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है उनका टिकट वाला मामला, और ये जनता को भी सवाल उठाना चाहिए कि बीजेपी से जब वो 10 सालों से जुड़े हैं तो फिर उनको टिकट मिलना चाहिए और वो सांसद बनेंगे, ऐसा पवन सिंह कह रहे हैं। लेकिन सभी का कहना नहीं है, आइए आगे दिखाते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस साइड स्ट्रक्चर तैयार हो गया है उनका घर का, नीचे जो कहते हैं कि काम हो गया है, अंदर स्ट्रक्चर तैयार है, जैसा कि क्या बिल्डिंग बनने वाला है वो आपको हम दिखाते हैं। और यहाँ पर अभी हम लोग सुबह के टाइम पे आए हुए हैं तो काम बंद है। ये देख सकते हैं ये लास्ट का जगह है, मतलब कि सबसे शुरुआत यहीं से होती है, उस जगह की यहीं से शुरू हो गई है उनकी जो हवेली है पावर हाउस बनने के लिए। स्ट्रक्चर आप अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी काम चल रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि काम बहुत धीरे चल रहा है, और किस प्रकार से साल भर में तैयार होगा ये नहीं समझ में आ रहा है। आप देख सकते हैं इधर दिखाइएगा किस प्रकार से नीचे को स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। खैर अभी समझना, अभी नहीं समझ सकते हैं कि क्या है। खैर यहाँ पे पिलर वगैरह दे दिया गया है, आप देख सकते हैं कि ये दीवार वगैरह खड़ी कर दी गई है। इसको एक कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर से इस स्ट्रक्चर को तैयार कराया गया है, पूरे सोच समझ के साथ इस हवेली को बनवाया जा रहा है। क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि पूरे आरा जिला में ऐसी हवेली किसी की नहीं होगी, आने वाले समय में भी नहीं होगी, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह की इस हवेली में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो नहीं होगी। जिम से लेकर के आपका स्विमिंग पूल से लेकर के सारी सुविधा होगी, ऐसी कोई सुविधा नहीं होगी। यहाँ पे शूटिंग से लेकर के सारा काम होगा, मतलब कि आप यहाँ आइएगा तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो आप मिस करेंगे। बाकी अब पवन सिंह ने अपना बिगुल बजा दिया है कि वो सांसद बनने वाले हैं 2024 में, लेकिन जनता सवाल करेगी, करती रहेगी। जब तक आप चुनाव में जब आप प्रचार करिएगा तब आपसे जनता सवाल करेगी कि आपको जब आपका मुद्दा नहीं पता है तो फिर आप काहे लिए चुनाव लड़िएगा। आपको मुद्दा पता होना चाहिए, आपको क्या विकास करना है, क्या काम करना है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जनता सवाल करेगी और जनता का सवालों का आपको जवाब देना होगा। तो उसके लिए तैयार रहिए पावर स्टार पवन सिंह जी, क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, आप ही के भगवान रूपी जनता का सवाल है। खैर उनका कहना है कि उनकी माताजी का भी आदेश है, इस वजह से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी माताजी जो कह देती हैं वो करते ही करते हैं, चाहे जो हो जाए। उनकी माताजी ने कह दिया तो उनको करना है, उनकी माताजी ने कह दिया, उनकी जनता ने कह दिया एक सांसद बनना है तो सांसद बनेंगे, पार्टी कोई भी हो। बाकी आपको ये वीडियो में अपडेट जानकर कैसा लगा पावर स्टार पवन सिंह के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।